Very, very good morning, everybody. I am J.P. Malik. Before you, welcome to Success Mantra by J. Malik. Today, various security charges all in one. एक जगह बेसिक चीजें बताई जाएंगी, वैसे इनका एक एक का वीडियो बनाया जा चुका है, तो आइए एक एक करके करते हैं. राइट ऑफ लियन, ये एप्लीकेबल है गुड्स एंड सिक्योरिटीज. गुड्स एंड सिक्योरिटी पे है. और इस लियन का मतलब क्या है? टू रिटेन द गुड्स एंड सिक्योरिटी टिल द पेमेंट इज मेड बाय द बोरोवर इन फेवर ऑफ क्रेडिटर या लेंडर. तो इसमें गुड्स एंड सिक्योरिटी को रिटेन करने का है. टू रिटेन बाय क्रेडिटर पब्लिक बैंक. ये है, ये टू टाइप्स है इसकी. एक है सेक्शन 171 जनरल लियन में क्या है. जनरल लियन में ऑल गुड्स एंड सिक्योरिटीज इंटरेस्टेड या ऑफर्ड इन फेवर ऑफ बैंक कैन बी रिटेन्ड टिल पेमेंट इज मेड. तो और दूसरा पर्टिकुलर लियन इसमें जब इसमें क्या है, जिसमें टाइम लेबर एंड मनी स्पेंड हो, जिसमें टाइम लगा हो लेबर मनी, तो वो पर्टिकुलर लेना है. और इसका सेक्शन 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये आता है. तो टाइम लेबर, फॉर एग्जांपल अगर कोई टेलर मास्टर कपड़े सिलता है, तो वो उसको तब तक अपने पास रख सकता है जब तक उसके चार्जेस पे ना हो. इसी तरह कोबलर है, वो शूज रिपेयर करता है, तो उसको भी राइट है जब तक उसकी पेमेंट ना चार्ज सर्विस ना उसकी सर्विस चार्जेस ना दिए जाए तब तक वो उसको रिटेन कर सकता है. यहाँ पर जो राइट ऑफ लियन है इन केस ऑफ बैंकर, यहाँ बैंकर लियन जो है टेंटामाउंट टू प्लेज है, उसको वो प्लेज की तरह है, वो उसको सेल इसमें क्या है, बाकी सेल नहीं कर सकते, लेकिन बैंक को सेल करने का अधिकार है थ्रू कोर्ट. तो नेगेटिव लियन में क्या है, ये तो एक अंडरटेकिंग है एन अंडरटेकिंग गिवन बाय बोरोवर इन फेवर ऑफ ए बैंकर के वो सिक्योरिटी जो ऑफर कर रहा है, वो जो सिक्योरिटी उसके पास है तो वो फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस है, उस पर किसी चीज का कोई चार्ज क्रिएशन नहीं है, और वो इसको डिस्पोज ऑफ या सेल नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ द बैंक. ये एक अंडरटेकिंग है. तो ये नेगेटिव लियन है, ये नेगेटिव लियन मार्क होता है सिक्योरिटी में. इसमें पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एक अंडरटेकिंग होती है. अब राइट ऑफ सेटअप में क्या है, इसमें देखिए राइट ऑफ सेटअप में दो अकाउंट हैं. एक ए अकाउंट है, ये डिपॉजिट अकाउंट है, दूसरा बी इसका, ये एक तो ये डिपॉजिट अकाउंट है, दूसरा लोन अकाउंट. तो इस केस में बैंकर अपने राइट ऑफ सेटअप एक्सरसाइज कर सकता है कि अगर डिपॉजिट से मनी इसमें डिपॉजिट में है और वो लोन अकाउंट एडजस्ट कर सकता है, तो ये पावर एक्सरसाइज बैंक का राइट है, ही कैन एक्सरसाइज. बट ये किस कंडीशन में है, इन सेम नेम कंडीशन ये है, सेम नेम एंड सेम राइट और कैपेसिटी, सेम इसमें ही ये एक्सरसाइज की जा सकती है. इसमें देखिए बैंक की कई एक ब्रांचेज हैं, लेकिन
उसमें बैंक को एक यूनिट माना जाता है, तो अगर दूसरी जगह डिपॉजिट है, लोन दूसरी ब्रांच में, तो भी वो एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे डिपॉजिट सपोज ₹10,000 डिपॉजिट है एक, और यहाँ लोन अकाउंट में 20,000 रुपीज का लोन है आउटस्टैंड और ये ड्यू है, ये ड्यू होना भी जरूरी है, तो यहाँ से ये इसको एडजस्ट कर सकता है, तो बाकी 10,000 बैलेंस रहता है उसको अलग से रिकवरी करेगा, तो ये राइट ऑफ सेटअप कहलाता है। ये सेम नेम एंड सेम कैपेसिटी में ही हो सकता है, जैसे प्रोप्राइटरशिप सेम नेम सेम कैपेसिटी है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप अकाउंट है उसके साथ साथ उसके इंडिविजुअल अकाउंट भी है, वहाँ ये नहीं हो सकता। तो सेम नेम एंड सेम राइट यहाँ पर बैंक कर सकता है अपना राइट ऑफ सेटअप, तो ये इसकी कंडीशन है। जैसे इसके में कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई सेफ डिपॉजिट में वॉलेट में कोई जमा किया तो उसके इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक पर्पज है। तो इसी तरह ट्रस्ट अकाउंट है तो नहीं कर सकता। अब आइए राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये कैसे हो सकता है? देखो इसकी तीन कंडीशन है मेन। एक तो कस्टमर डायरेक्ट डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट टू बैंकर, बैंकर इसमें डायरेक्ट करता है बैंकर को कि मेरा जो पेमेंट है ए बी सी सपोज तीन अकाउंट है, तो ये कहता है ए में जमा करिए, तो ए में ही जमा करना पड़ेगा। ये बैंक की बैंक के ऊपर ओब्लिगेशन है कि जो उसने डायरेक्शन दी डायरेक्ट टू बैंकर है, तो ये इंटीमेट करता है बैंकर को कि इस अकाउंट में इसने डायरेक्ट किया है कि इसमें किया जाए। दूसरा, अगर कस्टमर फेल्स टू डायरेक्ट, यहाँ पर वो डायरेक्ट करना फेल करता है, तो हेयर इट इज ए चॉइस ऑफ द बैंकर, वो अपने हिसाब से करे, हो सकता है वो बी में करे या सी में करे, वो कर सकता है। तीसरा केस एप्रोप्रिएशन का क्या बनता है? तीसरा है नाइदर कस्टमर डायरेक्ट नॉर बैंकर एप्रोप्रिएट, एक तो एज पर लॉ ये इन ऑर्डर ऑफ टाइम ये टाइम के हिसाब से होगा, जो टाइम का है फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जनरली कब होता है? जब कोई अकाउंट होल्डर डाई करता है और बैंक उस अकाउंट को क्लोज नहीं करता, तो यहाँ ना डायरेक्शन है ना ये फेल है, बल्कि इस केस में क्या होगा, लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा और इन ऑर्डर ऑफ टाइम वो करना पड़ेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे फर्स्ट डेबिट एंट्री डेबिट विल बी एडजस्टेड बाय फर्स्ट क्रेडिट एंट्री, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ये चलेगा। तो ये तीन रूल हैं, या तो सबसे पहले कस्टमर को डायरेक्शन देनी चाहिए कि इस खाते में पेमेंट जानी है, अगर वो फेल करता है तो बैंक अपने हिसाब से करेगा, अगर वो कहता है ए में तो ए में ही डिपॉजिट पेमेंट जाएगा एज पर लॉ। इन केस ऑफ जो पार्टनरशिप है स्पोर्ट्स वो डिजोल्व कर जाती है, कंपनी का वाइंड अप हो जाता है या कोई इंसॉल्वेंसी का केस है, तो उस केस में और बैंक ने वो अकाउंट क्लोज नहीं किया, बैंक ने एक्शन नहीं लिया, तो एज पर लॉ होगा इन ऑर्डर ऑफ टाइम समय के अनुसार, तो फर्स्ट डेबिट एंट्री विल बी एडजस्टेड इन फर्स्ट क्रेडिट एंट्री। यही क्रेटन केस में हुआ था, तो वहां पर जो क्लेटन केस था उस केस में क्लेटन हारा था, क्योंकि उसने कहा था कि हम काफी डेबिट क्रेडिट एंट्री हम मोर देन उसकी आउटस्टैंडिंग से कर चुके हैं, तो उसके एसेट से रिकवर किया जाना चाहिए डिसीज पार्टनर के, तो वो इस केस में क्रेटन हारा था, वो उसका क्रेटन केस का अलग से वीडियो बनाया जा चुका है। अब प्लेज सेक्शन 138 ऑफ 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है प्लेज, प्लेज में क्या किस केस में होता है प्लेज? एक तो देखिए गुड्स एंड स्टॉक, गुड्स स्टॉक गोल्ड, इनके ऊपर लोन बैंक
कस्टमर लोन लेता है उसको डिलीवरी दे करके, इसमें डिलीवरी मस्ट है, डिलीवरी मस्ट, डिलीवरी आइदर इट मे बी एक्चुअल डिलीवरी और सिंबोलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में एक्चुअल डिलीवरी हो जाती है, जैसे गोल्ड जब तक बैंक रखेगा जब तक उसका रिपेमेंट नहीं आता है, और अगर फिर उसने उस, इसमें देखिए लियन में सेल नहीं हो कर सकते, बैंक कर सकता क्योंकि टेंटामेंट टू प्लेज है, बैंक तो सेल कर सकता है, यहाँ पर थ्रू बैंक वो सेल की जा सकती है, इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के तो बैंक इसमें सेल कर सकता है। डिलीवरी इसमें मस्ट है, डिलीवरी आइदर कंस्ट्रक्टिव या सिंबोलिक डिलीवरी होनी जरूरी है। इसमें प्लेजर प्लेजी है, प्लेजर गुड्स को प्लेज करता है बैंक के एज ए सिक्योरिटी, तो इसमें प्लेज है। एक है चार्ज ऑफ हाइपोथिकेशन, इसमें नाइदर देखिए नाइदर पोजेशन ट्रांसफर नोर ओनरशिप, कोई भी चीज इसमें ना तो पोजेशन ट्रांसफर था ना ओनरशिप होती। देखिए इसमें भी जो है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर ये किस केस में होता है, जैसे आपका ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लोन लेते हैं, ट्रैक्टर है, कार है एटसेट्रा, ये उन केसेस में इजीएस्ट मेथड ऑफ चार्ज क्रिएशन है, क्योंकि इसमें पोजेशन कस्टमर के पास रहता है, ओनरशिप भी कस्टमर के पास रहती है, क्योंकि अगर ट्रैक्टर को पोजेशन बैंक लेगा तो वो फील्ड में कैसे चलेगा, इसी तरह कार कैसे यूज होगी, तो चार्ज ऑफ हाइपोथिकेशन। इसकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं है, सरफेसी एक्ट में सेक्शन 2 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 में इसकी इसको डिफाइन किया गया है, टू सिक्योर ए लोन सिक्योरिटी इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ बैंक टू सिक्योर ए लोन। चार्ज ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या है, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसमें क्या है, ये जो चार्ज क्रिएशन ना तो प्लेज हो ना या हाइपोथिकेशन हो ना मोर्टगेज हो, तो ऐसी चीजें जो इनके इनके कवर नहीं करती, तो ऐसी उनको हम असाइनमेंट चार्ज क्रिएट करते हैं। ये एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं सच एज एक है बुक डेट्स है, इंटेंजिबल सिक्योरिटी होती है बुक डेट्स के ऊपर लोन लेते हैं, दूसरा मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा, तो और तीसरा एक्शनेबल क्लेम जैसे LIC पॉलिसीज पर लोन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है LIC पॉलिसीज में क्या होता है कि LIC पॉलिसीज का असाइनमेंट जो कस्टमर लोन लेने के लिए बैंक के पास जाता है LIC पे असाइनमेंट कराता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से, और वो कस्टमर को इन्फॉर्म करके उसमें एक असाइनमेंट में ये लिखा होता है कि ये पैसा LIC पॉलिसी जब मेच्योर होगी उसका पैसा डायरेक्ट बैंक में आएगा LIC से, तो ये एक्शनेबल क्लेम्स हैं, बुक डेट इंटेंजिबल सिक्योरिटी है क्या एक्शनेबल क्लेम किया जाता है। अब चार्ज ऑफ मॉर्टगेज, देखिए ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात थी, और ये जो इनमें नहीं आता था प्लेज में हाइपोथिकेशन में और मॉर्टगेज में, ये देखो इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड बिल्डिंग बिल्डिंग प्लॉट जो जितनी भी एक्सेट्रा जितनी भी ये चीजें हैं, और इनके ऊपर जो लोन लेता है कस्टमर तो उनका चार्ज क्रिएशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का चार्ज चार्ज ऑफ मॉर्टगेज कहलाता है। चार्ज ऑफ मॉर्टगेज में एक मॉर्टगेज और एक मॉर्टगेजी है,
मोर्टगेज ही बैंक है, मोर्टगेज कस्टमर है, और जो मोर्टगेज लोन है उसको मोर्टगेज मनी बोलते हैं। तो ये है इसमें, देखिए मैंने 6 टाइप्स का मोर्टगेज एक एक वीडियो बनाया था अलग से, ये बेसिक चीजें क्लियर करने के लिए दोबारा एक तरह से रिवीजन है। तो इसमें लैंड बिल्डिंग का जो इमोवेबल प्रॉपर्टी उसका मोर्टगेज किया जाता है, बाकी इमोवेबल प्रॉपर्टियों का मैंने ऊपर बताया है कैसे मोर्टगेज होता है। तो ये था आपका वेरी सिक्योरिटी चार्जेस ऑल इन वन, एक में मैंने इसको क्लियर किया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से वॉच करना, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अपडेट समय समय पर अपने आप को आप लोग अपडेट करते रहिए और सीखते रहिए। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।